हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नज़म नंबर 9 बाग की सैर, जो जमात सुअम के लिए है। तो बच्चों, इसे अच्छे से समझिए। चलिए शुरू करते हैं नज़म नंबर 9 बाग की सैर। तो बच्चों, इस नज़म को हम पहले तरन्नुम से पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ साथ, तो आप भी दोहराते जाइए, इसे अच्छे से समझिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बाग की सैर। आओ आओ बाग में जाएं, बाग में जाएं, दिल बहलाएं। आओ आओ बाग में जाएं, बाग में जाएं, दिल बहलाएं। चलकर देखें फूल रंगीले, फूल रंगीले, नीले पीले। चलकर देखें फूल रंगीले, फूल रंगीले, नीले पीले। आओ आओ बाग में जाएं, बाग में जाएं, दिल बहलाएं। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, जैसे हो आकाश के तारे। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, जैसे हो आकाश के तारे। आओ आओ बाग में जाएं, बाग में जाएं, दिल बहलाएं। तो चलिए शुरू करते हैं नज़म नंबर 9 बाग की सैर। तो बच्चों, इस नज़म को हम पहले तरन्नुम से पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ साथ, तो आप भी दोहराते जाइए, इसे अच्छे से समझिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बाग की सैर। आओ आओ बाग में जाएं, बाग में जाएं, दिल बहलाएं। आओ आओ बाग में जाएं, बाग में जाएं, दिल बहलाएं। चलकर देखें फूल रंगीले, फूल रंगीले, नीले पीले। चलकर देखें फूल रंगीले, फूल रंगीले, नीले पीले। आओ आओ बाग में जाएं, बाग में जाएं, दिल बहलाएं। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, जैसे हो आकाश के तारे। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, जैसे हो आकाश के तारे। आओ आओ बाग में जाएं, बाग में जाएं, दिल बहलाएं। बाग में क्यारी क्यारी देखें, कलियां प्यारी प्यारी देखें। बाग में क्यारी क्यारी देखें, कलियां प्यारी प्यारी देखें। आओ आओ बाग में जाएं, बाग में जाएं, दिल बहलाएं। चलिए शुरू करते हैं बाग की सैर। ये जमा सुअम के लिए है। इस नज़म में शायर कह रहा है आओ आओ बाग में जाए। तो बच्चों को, बड़ों को, सभी को बाग बहुत पसंद होता है, क्योंकि वहाँ पर हरियाली होती है, हरे हरे पौधे होते हैं, उस पर फूल होते हैं रंग बिरंगे, और उससे सबका दिल बहुत बहलता है। तो इसमें शायर कहता है आओ आओ बाग में जाए, बाग में जाएं, दिल बहलाए। और उसमें दूसरे मिसरे में शायर कह रहा है चलकर देखें फूल रंगीले, फूल रंगीले, नीले पीले। तो बाग में मुख्तलिफ़ किस्म के फूल होते हैं, और उनके रंग भी बड़े मुख्तलिफ़ होते हैं, अलग अलग रंगों के फूल होते हैं, नीले पीले उदे, जो दिल को बहुत लुभाते हैं। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, जैसे हो आकाश के तारे।
तो इसमें शायर बता रहा है कि फूल कितने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे होते हैं, वो इस तरह से महसूस होते हैं जैसे है आकाश के तारे। और बाग में जो फूल होते हैं उनकी क्यारी क्यारी बहुत ही भली नज़र आती है और प्यारी प्यारी दिखती है। इस मिसरे में शायर कह रहा है, देखे फूलों की रंगीनी सूंघे खुशबू भीनी भीनी। और फूलों की जो खुशबू होती है वो भीनी भीनी होती है, मुख्तलिफ फूलों की मुख्तलिफ खुशबू होती है जो हमें बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद आती है। तो चले बाग में जाकर उन फूलों की खुशबू भीनी भीनी सूंघे। और इस मिसरे में शायर कहना चाह रहा है, खूब सुने चिड़ियों का गाना बुलबुल और कोयल का तराना। तो जैसे हम बाग देखते हैं उसमें बहुत सारे पौधे हैं, पेड़ है, हरे भरे झाड़ है, उसमें बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, तो वहाँ पर चिड़ियाँ भी मौजूद होती है क्योंकि चिड़ियाओं का घर जो है पेड़ है, दरख्त है, वो अपना घोंसला वहाँ बनाती है और वहाँ वो बैठती है, इस तरह वो गाना गाती है, चहचहाती है। चिड़िया कोयल बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे गुनगुनाते हैं, गाते हैं, तो हम उनका तराना सुनेंगे। और इस शेर में शायर कहना चाह रहा है कि जो चिड़ियाँ जो गाती है, परिंदे जो गाते हैं, वो उनकी जो बोली है वो खुदा की शान है, और शान नहीं है ये पहचान है खुदा की। ये अल्लाह ताला ने उनको किस तरह से दिया है ये कि वो बोलते हैं, चहचहाते हैं, गाते हैं। तो बच्चों आपको किस तरह से लगा ये ज़रूर बताइए, ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।